प्रिय राम, कल तुम्हें राज मुकुट पहनाया जाएगा। जो ये राज मुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और प्रजा के हाथों में सौंप देता है। राजा होने का अर्थ होता है सन्यासी हो जाए, फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश और प्रजा का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा अपने देश के लिए अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र और अपने प्राण को भी त्यागना पड़े तो त्याग दे। जो राजा अपने देश के लिए सब कुछ त्याग नहीं सकता, उसे प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। राजा को अपने आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श प्रस्थापित करना होता है। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा उसका अनुसरण करती है। प्रिय राम, राजा की मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात रहित हो, जो संकुचित न हो। न्याय करते समय उदारता को भी नहीं भूलना चाहिए। राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों के जीवन, मरण, सुख, दुख उसके हाथों में होते हैं। इसलिए राजा में दया, क्षमा, उदारता आदि भगवान के गुण होने चाहिए। थैंक यू। मैं विरल रावल, और अभी मैंने क्लोजअप में प्रयत्न किया है जिसमें मैंने मूवमेंट नहीं लिया है, शायद आपको पसंद आए। धन्यवाद।